कानपुर नगर से है। यूपी सरकार सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के प्रति काफी जागरूक है, लेकिन कानपुर के सरकारी अमले को इससे कोई सरोकार नहीं। पीड़ित बुजुर्ग अपनी समस्या को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन सुनवाई करने के बजाय उनको टाल दिया जाता है। हरबंस मोहल्ला थाना क्षेत्र में रहने वाली रीता ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कब्जेदारों ने मकान कब्जाने के लिए जान से मारने की कोशिश की, पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। हमारे साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गगन, पप्पू, बप्पू, रोहन, बेला और गणेश ने ललकारा, एक को मार दो जान से, और देवेश आए और ये लोग सब गंदी नीयत से और मैं इज्जत लूटे तो मैंने मारा। जब उनको नहीं सफलता मिली तो उन्होंने मेरा गला कस दिया और मुझे मारा, उनको मुझे मारते रहे, मेरे गले से मेरी चैन, अंगूठी, कड़ा, फू, आलू, उनका भांजा, मोहन, नमन, अमन, बेला। इन लोगों ने क्यों मारा है आपको, क्या है पूरी वजह क्या है? हमारा जितना कलम की उसी में अवैध कब्जे थे, लोग रहते हैं, हमसे खाली कराना चाहते हैं, इसलिए हमको मारा। पेटी की आए दिन गए उनके पास से उनसे दे भी रहते हैं, उन्होंने ललकारा इस शादी को मार दिया। रिटायर दरोगा, क्या है रिटायर दरोगा, फिर वो कलम की मकान रखने के लिए इसको मार दो जान से और तुम लोग कब्जा कराने के लिए। पुलिस से शिकायत करी इसके आपने? पुलिस से हमने बहुत शिकायत करी और पूछे मारेंगे कहते थे कितनी हमने अप्लीकेशन में सब की और इनका लड़का देवेश वाजपेयी लोग 307 के मुलजिम भी हैं ये लोग। उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई नहीं। किसी बड़े अधिकारी से मिली? मिले सर से, मिले सर को दिया है। हमारा सारा सामान लूट लिया घर का और जो हमारे और घर में भी रखा था वो भी लूट लिया, जो हम पहने थे वो भी लूट लिया। आए दिन बेइज्जती करना, धमकियां देना। आपके पास किसी चीज़ की वीडियो है? वीडियो पुलिस वाले बना कर ले गए थे यहाँ से 2 साल पहले भी और उस दिन भी बनाई, अब वो दिखाए। जब आपको इन लोगों ने मारा है तो आप कहाँ एडमिट थे? कौन हेलट हॉस्पिटल में आए। कितने दिन तक एडमिट रहे? डिस्चार्ज होकर आए। आज डिस्चार्ज होकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।